क्या है बाबा? मंगला पुरात कुमार शिकार से आ रहा, बड़ा पाजी आदमी, लड़की देखी कि उसका पीछा छोड़ता ही नहीं, बड़ी बुरी नजर है उसकी। क्यों बाबा, उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं? जोर से ना बोल। मैं खेत जाता हूँ, तू घर का काम काज निपटा के रोटी भेज देना। अच्छा बाबा।
कहता हूँ कि जा जा। हैं? अरे वाह, सड़क भी किसी के बाप की हो गई। चलो शुरू करो, मगर याद है ना, निशाना चूका तो डी देनी होगी। तुम सब डी का मतलब समझती हो ना? जी, सर से सर की टक्कर। हाँ चलो। चलो डी। अब और सब शर्म आती है। शर्म? का सरदार। क्यों जी, क्या मालियों की पोशाक ऐसी तड़क भड़क हुआ करती है? ओ ये ये तो कुंवर साहब के उतरे हुए कपड़े हैं। अच्छा तुम कौन हो? यहाँ मेरा कबूतर उड़ाया है, मैं उसे पकड़ने आई हूँ। कुकुक। कैसा कबूतर? मंदिर का कबूतर। कौन सा मंदिर? एक पहेलियां बुझाने लगे? मुझे पहेलियां बुझाने का शौक है। और तुम्हें? है तो मुझे भी, पर मेरा कबूतर पकड़ दो ना। पकड़ देंगे। कौन सा मंदिर? कन्या का मंदिर। कौन कन्या? तुम पकड़ चुके कबूतर। कौन कन्या? कौन कन्या? नाक कन्या। कौन नाक? फनदार नाक। कैसा फन? सरदार फन। पकड़ चुके तुम कबूतर। कुकुक। कहाँ उड़ गया पापी? ओ फिर उड़ गया। मैं पकड़ देता हूं।
तुम भी चली आओ। क्या है रे, कुंवर साहब को देख रहा है? वो बाहर गए। जा काम कर अपना, जा। जाता हूं। ये कबूतर महल में नया नया आया है, जरा होशियारी से जतन से पकड़ना होगा। राजाओं के पलंग पर बैठ गए। कौन देखता है? आओ तुम भी बैठ जाओ। कुंवर साहब, महाराज ने आपको याद किया है। पाजी कहीं का मौके पे मौके आधमकता है। आप राजकुमार हैं? तो क्या हुआ, तुम्हें कबूतर नहीं चाहिए? लाइए दे दीजिए। आइए ले लीजिए। तो भले आदमी मालूम होते हो, पर हो कमीने। थू! बड़ी चटपटी थी सरकार। गधा, बड़ा आया देखने वाला। कितनी बार कहा है, जो आंख से देखे वो जबान पर ना लाया कर। भागिया से के बाजार में उड़ा कबूतर जाए, मुड़कर वो देखे नहीं, इसका कौन उपाय? हे क्यों रे, वो लड़की कहां रहती है? लड़की वे आंखें क्या फाड़ रहा है? वो जो अभी अभी यहां आई थी। यहां कोई लड़की भी आई थी? वो कहां रहती है, मैं उससे कब मिल सकता हूं? जी मैंने कहा, इधर से किसी लड़की को जाते देखा? लड़की? कौन लड़की? कौन लड़की? अरे बाबा, मैं जानता तो तुमसे क्यों पूछता। जी
ए, उधर क्या देख रहा है? कुछ नहीं, यूं ही देख रहा था। यूं ही देख रहा था पराई बहु बेटियों को। लुच्चे बाजी, मेरी बाजी। चलो तितलियों, अगर किसी ने खेलने में गलती की तो मुंह दिखाता है? मुंह दिखाने लायक हुए बिना कैसे आता कुंवर साहब? अब बंदा राई रत्ती खबर लेके आया है। वो लोग हनुमान मंदिर के पिछवाड़े रहते हैं। छोकरी का नाम है मंगला, उसके बाप का नाम है दयाल, उसका बाप था गांव का चौधरी, कहते हैं उसका नाम था धोकल। क्यों रे, छोकरे की दादी का नाम नहीं पूछा? सब कुछ पूछा है सरकार, सब कुछ पूछा है। दादी का नाम था कनक कटोरी कमला देवी। शाबाश। हे, मैंने तुझे लड़की का पता लगाने भेजा और तू दादा दादी? नहीं कुंवर साहब। इस वक्त कहाँ है वो? कौन, कनक कटोरी? अरे कनक कटोरी के बच्चे मंगला कहाँ है? वो तो अपने खेत में काम कर रही है। कहाँ? खेत में। धरती ने ओढ़ी है धानी चुनरिया, धानी चुनरिया, धानी चुनरिया। धरती ने ओढ़ी है धानी चुनरिया, चमके चुनरिया में गोरी बिदुरिया, चमके चुनरिया में गोरी बिदुरिया। दुल्हन से दुल्हन से हंस हंस लजाए रे, दुल्हन से हंस हंस लजाए रे। खेत मेरे बाबुल का खेत लहराए रे, ओ, 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 ओ बाबुल का खेत लहराए रे। खेल 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 मिल 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 जाती सोनिया, शर्माती बोरिया। खेल 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 मिल 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 जाती सोनिया, शर्माती बोरिया। चांदी सा खेत रे सोने जैसी रेत रे, चांदी सा खेत रे सोने जैसी रेत रे, चमकीली धूप जैसे गोरी का रूप रे, चमकीली धूप जैसे गोरी का रूप रे। काल रे काल रे मादर मां अमृत बरसाए रे, ओ
आप? तिल के खेतों में मस्त झूमने वाली, ये काला तिल और ये गालों की लाली, जिसके खेतों में तिल, जिसके गालों पे तिल, जिसके नैनों में तिल, जरा देखें उसका दिल। अच्छा जी, दिन निकला नहीं और पहेलियां बुझाने निकल पड़े। फूलों के झूलों सदा झूलने वाले, काटा बनकर हर दिल में चुभने वाले, फूल से तिल का मेल नहीं है, दिल देखना खेल नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। बड़ी तेज हो। इसमें तेजी की क्या बात है, आपने सवाल किया मैंने जवाब दिया। अच्छा, सवाल जवाब हो चुके, अब आप जा सकते हैं। क्या मैं खाली हाथ जाने के लिए आया हूं? अरे मान भी जाओ, घड़ी भर मिलजुल कर जी बहलाएं, ऊं ऊं करके मुंह क्या मोड़ती हो? तुम राजकुमार होने के घमंड में बक रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। इधर देखो, तुम एक मामूली छोकरी हो, मैं राजा का बेटा, मेरी बात मान लोगी तो बड़े सुख से कटेंगे अपने दिन। मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं, छोड़ो मुझे। ऐसे नहीं, पहले मुझे एक दी दो। दी? क्या मतलब? सर से सर टकरा के एक दूसरे को पीछे हटाने का खेल। इतनी सी बात? मेरा हाथ छोड़, खेलेंगे। हाँ, अब आई ठिकाने, आओ। क्यों, कैसी रही दी? मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना, मुझसे शादी करने वाले के सिवा कोई मेरी छाया को भी नहीं छू सकता। तुम ये सोचती हो कि शादी करके सुख से रह सकोगी? मैं ऐसा हरगिज न होने दूंगा। अगर मैं यहां का राजकुमार हूं तो मैं खुद तुझसे शादी करूंगा, तुझे कैद में रखूंगा, तेरा घमंड चूर चूर करूंगा और तुझे मजबूर करूंगा कि तू सुहागन होते हुए भी एक विधवा की तरह रोते रोते जिंदगी बसर करे। अगर मैं अपने खानदान की सच्ची औरत हूं और अगर तुम जबरदस्ती शादी करके मुझे सुहागन विधवा की जिंदगी बसर करने पर मजबूर करोगे तो मैं भी तुम्हारे जाने बगैर तुम्हारे बच्चे की मां बनके उसी बच्चे से तुम्हें भरी सभा में कोड़ों से पिटवाऊंगी। देखा जाएगा, देखा जाएगा। छोकरी मेरा अपमान कर जाए? क्या, आखिर बात क्या हुई? उस खेत में किसान छोकरी ने मुझे धमकाया कि वो मुझे कोड़ों से पिटवाएगी। हाँ, मुझे कोड़ों से पिटवाएगी। कुमार, तुम्हारी आदत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, रोज एक न एक झगड़ा, शिकायत, फरियाद। मैंने आपको नसीहत के लिए नहीं बुलाया, मुझे उससे शादी करनी है। शादी? हाँ, मैं उससे शादी करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी कराएंगे या नहीं? ये क्या,
अभी तो कह रहे थे कि वो किसान छोकरी है, अब उससे शादी करना चाहते हो? हाँ चाहता हूँ, अगर आपने शादी नहीं करवा दी तो मैं सबको छोड़ छाड़ कर चला जाऊंगा। कुमार तुम मेरे इकलौते बेटे होने की वजह से जिद कर रहे हो। जिद नहीं कर रहा हूँ। दीवान जी आप फौरन उस लड़की के घर जाके उसके बाप से, क्या नाम उसका, दयाल, उससे बातचीत करके शादी तय कीजिए। मान जाए तो ठीक, वरना गिरफ्तार करके हवालात में डाल दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। नहीं बाबा, वो अपने आप चलाया और लगा पहेली मुझाने, मैंने जवाब दे दिया, तब उसे चले जाना चाहिए था या नहीं? तुझे समझा तो दिया था कि वो बड़ा पारी आदमी है, फिर तू क्यों बोलने गई उससे? मैं उससे बोलने गई थी? मैं तो अपना नाच खटक रही थी, कोई अकेली दुकेली लड़की को हाथ लगाए और यूं ही चला जाए। न जाने क्या आफत आने वाली है। आने दो आफत, देखा जाएगा। अरे कहां वो कहां हम लोग क्या उनके सामने ठहर सकते हैं? हम गरीब लोग, वो राजा। राजा है तो हुआ करे, क्या उसके डर के मारे अपनी इज्जत दे देंगे? अगर उसके पास हुकूमत है तो हमारे साथ इंसाफ है। बाबा डरने की क्या बात है। खैर ये दयाल का घर है ना? जी। आप कौन हैं? यहाँ का दीवान। आइए। तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी, बैठिए। तुम्हारे पिता घर में नहीं है? बाड़ी में है, बुला लाती हूँ। बाबा रात से कोई दीवान जी आए हैं, न जाने क्यों, कुछ पूछताछ करें तो दबना मत, हिम्मत से काम लेना। चलो। धन्य भाग महाराज जो आप पधारे। आप खड़े हैं, बैठिए ना। कैसे आना हुआ गरीब के घर? क्या मैं खास काम के बिना यहाँ आता? खुशखबरी लाया हूँ, तुम्हारी किस्मत खुल गई। बड़ी खुशी, पर अब काम की बात कीजिए। अपने राजकुमार है ना शिवपाल सिंह जी, वो शादी करना चाहते हैं। बड़ी खुशी, शौक से करें। वो तुम्हारी लड़की मंगला से शादी करना चाहते हैं। क्या क्या कहा आपने, मेरी मंगला से? अजी आप तो हंसी उड़ाते। हंसी नहीं, इस बात का फैसला हो चुका है कि तुम्हारी मंगला से कुमार की शादी होगी। सिर्फ तुम्हारी हाँ चाहिए थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। आए तो बड़ी खुशी, लेकिन ब्याह शादी की बात छोड़िए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक महलों में एक मिट्टी में। कुछ पान शरबत मंगाऊं सरकार? क्या मैं यहाँ पान शरबत के लिए आया हूँ? बड़ी खुशी, तुम्हें हो क्या गया, बात बात पर बड़ी खुशी होती है। नसीब समझो कि कुंवर साहब को तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है, वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। कबूल कर लो, 1,00,000 फौरन दिलवा दूंगा। तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं कि बात क्या हुई। आ गए बस, खेत में मेरी मंगला को अकेली देखकर तुम्हारे राजकुमार ने उसे छेड़ा, अरे चुरे किया, उसे झगड़ा करने के लिए लाचार कर दिया, और बात करने आए हो ब्याह शादी की। दीवान जी हम गरीब सही, लेकिन अपनी बेटियों के सुहाग का सौदा नहीं करते। जाइए अपनी लाभ की थैली किसी और को दिखाइए। तो जानते हो इसका नतीजा, तुम्हारा घर बार खेत खलिहान यहां तक की जान भी। बड़ी खुशी, ठहर दिखाता हूं तुझे बड़ी खुशी। है जाके कह दीजिए
मुझे शादी मंजूर है। मंगला बाबा तुम नहीं जानते, हाँ कह दो।
गूंगी गुड़िया। तुमने मुझे मिट्टी का शेर समझ रखा था, है ना? और रो रही हो? रो रो, रोना तंदुरुस्ती के लिए अच्छा है। नहीं, मैं रोती नहीं हूं। हाँ, यूं कहो मेरी कपट कबूतरी। क्या बढ़-बढ़ कर बातें करती थी, वो नखरा, वो गुस्सा, वो शेखी, वो शोखी, कहां गए सब? जानती हो मैं क्या करने वाला हूं? जानती हूं, आपने उसी दिन बताया था ना। सुनिए तो, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप भी गुस्से में थे, कुछ कह बैठे। मैं ठहरी और उसकी जात जवाब दे बैठी। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, अब हम एक दूसरे के हैं। कई गुजरी को भूल जाइए, मुझे इस तरह बर्बाद ना कीजिए। नाटक कर रही हो? मैंने जो कह दिया कह दिया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही रहेगी, तुम परित्यक्ता ही रहोगी। शहर के बाहर एक आलीशान महल बनवाकर, उसे खूब सजाकर संवारकर, तुम्हें वहां बड़े आराम से रखूंगा। देखभाल के लिए एक बांदी भी हमेशा मौजूद रहेगी। लेकिन महल के दरवाजे को बंद करके, ताला लगा के, मोहर लगा के, उसकी चाबी मैं हमेशा हर घड़ी अपने पास रखूंगा। जब तक जिंदा रहोगी, अकेली पड़ी पड़ी अपने किए का फल भोगती रहोगी, रोती रहोगी। ओ, मैं पसंद आने लगा? ये बात नहीं, मैं तो डरती हूं कि बोलते बोलते कहीं आपका गला ना सूख गया हो। बड़ी होशियार समझती है खुद को। तुम्हें नजर कैद करने के बाद मैं महल के बाहर खड़ा होकर शान से ऐलान करूंगा। ओहो, देखती जाओ। मत भूल कभी नादां, मत भूल कभी नादां, तुझे बात निभानी है। अब क्या ये नादानी है, क्यों आंख में पानी है?
मत बैठ कभी ये दिल किस्मत के भरोसे तू मत बैठ कभी ये दिल किस्मत के भरोसे तू हिम्मत से बढ़े जाना हिम्मत से बढ़े जाना जो बिगड़ी बनानी है उठ पहुँच जरा सो बतला दे तू दुनिया को उजड़ी हुई राह में मंजिल की निशानी है उजड़ी हुई राह में मंजिल की निशानी है मत भूल कभी नादा तुझे बात निभानी है खामोश निगाहों में है शोर कयामत का खामोश निगाहों में है शोर कयामत का सिमटी हुई बाहों में बिजली की जवानी है दिल तोड़ के बैठी तो सब लोग कहेंगे दिल तोड़ के बैठी तो मत भूल कभी नादा तुझे बात निभानी है खाना कहा था ना ये तो बड़ा भारी महल मालूम होता है सिर्फ महल ही नहीं बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें अच्छे कपड़े
अच्छे गहने, अच्छा खाना पीना, दूध दही फल फूल ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन सुहाग का सुख कभी नहीं। कहीं उड़ने की कोशिश न करना मेरी बुलबुल, अगर की तो जानती हो क्या होगा। ए कौन है? अगर तुमने भागने की कोशिश की या कोई और शरारत की तो ये बिगुल बजाएंगे। किस तरह? इधर बिगुल बजी, उधर ये आए। जानती हो इन्हें क्या हुक्म है? कोई यहां से बाहर कदम भी रखे तो फौरन फांसी लगा दो। और देखो यह है तुम्हारी साथिन बिजली, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हां अब डरी तुम? डरी मैं? लगी फिरती है, हुक्म चलाना चाहती हो मुझ पर? क्यों रे, कभी पीछा भी छोड़ेगी मेरा? क्या देखे दर्पण मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, ओ तेरे दया धर्म नहीं मन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में, ना कोई देता ना कोई लेता, सब कुछ राम भरोसे हो मोरे रामा, सब कुछ राम भरोसे, रतन फेंक कर कंकर लेता, कौन कहे अब तो से। क्यों भटक रहा गलियन मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण मेरे मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। भैया तुम्ही ने पत्थर फेंका ना? नहीं नहीं मैंने नहीं। नहीं मैंने खुद देखा ना, हम जैसे फकड़ों पे पत्थर फेंके तुम्हें क्या मिलेगा भैया।
लो यही कन्नी है मेरे पास। पत्थर के बदले पैसे? अरे पैसे क्या, रुपए मिल सकते हैं। अच्छा, मगर हम जैसे भिखारियों के पास क्या रखा है भैया। हाँ। अमीरों पे, हट्टे कट्टे जवानों पे पत्थर फेंको, वो तुम्हें मुट्ठी भर भर देंगे सियाराम। ऐसा? माँ 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 माँ, देख तो, तू मुझे कहा करती थी निकट्टू है निकट्टू, अब कमाने की करामात मेरे हाथ लग गई। माँ एकनी एकनी, ले ले इसे संभाल के रख माँ, संभाल के रख। हाँ, ये कहाँ से आई? आई नहीं, कमाई। कैसे रे? ओहो, माँ पूछताछ रहने दे, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे पत्थर जमा करने हैं। जा तू अंदर जा और देख शाम तक मैं कितनी कमाई करके तेरे लिए लाता हूँ। जा जा मैं जल्दी जल्दी जा। ये पत्थर किसने फेंका? हमने फेंका, लाओ। अरे यार, माँ। क्यों जी, क्या है? क्या है, देखो अपने कपूत की करतूत, जरा ऊपर लगता तो खोपड़ी खिल जाती। कौन सी आंधी घड़ी में जन्मे थे ये सपूत, कहो से बाहर आए, उसकी कपाल क्रिया करके ही दम लूंगा। नहीं नहीं भैया जी, गुस्सा ना हो, फिर कभी ऐसा ना होगा। और अब जो हो गया उसका क्या? बड़ी मुसीबत में फंस गए रे, वो आदमी आसानी से पीछा ना छोड़ेगा। माई बाप कह के उसे पिंड छुड़ा कि अनजान में हाथ उठ गया। अरे ये मैं तो भके जा रही हूँ और तू टस मस नहीं होता। अबे ओ बुद्धू के बच्चे, सीधी तरह किवाड़ खोलता या नहीं? मर गया। अरे 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 मर गया मर गया मत मार। बस करो बहन, बस करो, किवाड़ खोलो। अरे रे रे रे, तुमने तो मार मार के पलोथन भी खेल दिया बेचारे का। नरो बेटा नरो, इसे काहे को घर में बेकार बिठा रखा है, किसी काम वाम से क्यों नहीं लगा देती? क्या करूं भैया जी, इकलौता बेटा लाड प्यार में बिगड़ गया, बुरी संगत ने इसे कहीं का ना रखा। अच्छा तुम कौन हो भैया? मैं नट हूँ, चाहो तो इसे मेरे साथ कर दो, मुझे जो कुछ आता है इसे सिखा दूंगा और अपने बच्चे की तरह रखूंगा। भला हो भैया, ले जाओ अपने बच्चे की तरह रखना है। जाओ बेटा, जाओ अपने मामा के साथ। चलो मामा, चलो। चल बेटा। दिल लगी ही दिल
सपने में भी न सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हंसी हंसी में बात बिगड़ गई। बाबा, बेटी, मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं। सोचा जाके महाराज से दाद फरियाद करूं, सो कुमार ने न जाने दिया। मैं उसके भी पांव पड़ा, गिड़गिड़ाया, मगर सब बेकार। बहन, मेरे बाबा मिलने आए हैं, जरा उधर चली जाओ ना। एक बात सूझी है बाबा, चींटियों को देखो। तेरी बात कुछ समझा नहीं मंगला। इन चींटियों की तरह हम भी एक सुरंग बना सकते हैं, अपने घर से यहां तक। सुरंग बना ले तो? मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने का यही एक उपाय है। बना तो ले, वो महाराज के दिए हुए रुपए यूं ही तो पड़े हैं, लेकिन पता चल गया तो? पता? वो औरत जो सर पर सवार है, उसका इलाज मैं कर दूंगी। वक्त हो गया। अच्छा बाबा, Thank you.
रानी जी, रानी जी, रानी जी, क्या हुआ? चलो, सपना ही था। सपना? कैसा सपना? क्या बताऊं बिजली, मुझे शायद कोई भूत था, उसने मुझे पकड़ लिया और कहा बिजली की गर्दन यूं मरोड़ दे। मेरी गर्दन? हाँ, मैंने कहा आज नहीं और किसी दिन मरोड़ दूंगी, तब भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा री। क्यों रानी जी, अगर उसने आपको मजबूर कर दिया तो? भूत का कहा कौन टाल सकता है री? हाँ, भूत का कहा कौन टाल सकता है? भूत का कहा कौन टाल सकता है? अरे भागती कहाँ है, भागती कहाँ है? ठहर तो, ठहर तो, मुझे डर लगता है। अरे मुझे डर लगता है। क्यों री, मुझे अकेली छोड़ गई तू? आप कुछ भी कहें, मैं तो इस कमरे में कभी नहीं आने की, कभी नहीं आने की, कभी नहीं, मर कर भी नहीं। अच्छा, तेरी मर्जी। बेटी चमेली, ओ चमेली। क्या है बाबा? ये हमारी टोली में आज ही भर्ती हुआ है, इसका नाम है बालम। बालम? क्या? हाँ हाँ, बालम। बालम या बुद्धू, क्या रंग रूप पकड़ लाए बाबा। बाप बेटे खूब लटके, मगर बिना सहारे झूलो तो जाने। ए बालम, ये बालम, मैं गिरपड़ूंगा, गिरपड़ूंगा। बालम, बालम, अरे गिरपड़ूंगा, गिरपड़ूंगा। पायल की छन छन में, कंगन की खन खन में।
देख, क्या देख रहा है? नहीं नहीं, देख रहा हूँ। देख रहा हूँ, बाप का मार है। हाँ हाँ, मगर ये उछल कूद क्या कर रही थी आप? अरे उछल कूद नहीं, कसरत बुद्धू, कसरत। देखो जी, मैं बुद्धू तो नहीं, बालम बालम। कभी चेहरा भी देखा है आने में? बालम ऐसे होते हैं? तो फिर कैसे होते हैं? अरे बालम की तो ये बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, तोते जैसी नाक होती है, अनार दाने जैसे दांत होते हैं, पापड़ जैसे पतले पतले कान होते हैं। बस 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 बस, तुमने तो बिल्कुल मुझे ही बयान कर दिया है। चलो मिल गया तुम्हें बाप, चलो। ए, सर खुजला रहा है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जी मचला रहा है। अरे ये क्या? उस्ताद, तुम्हारे उस नए रंग रूप ने लटका दिया है, कैसे उतरू? अबे ऐसे उतर उल्लू ऐसे। हाँ। अरे ये कर्तव्य कहाँ सीखा तूने? अबे खुगु, देख और शर्मा, तूने उम्र भर छक मारी, ये अभी आया और देख कितने घड़े उठा लिए। ए बालम, जरा इसी तरह सीढ़ी पर तो चढ़ देखें। यूं के यूं ही रह गए? ओ, एक दफे तो मैं भी दंग रह गया, इन्हें चिपका रखा है ना तूने। शाबाश पट्टे, अक्कल बड़ी के भैंस, तू ही मेरा होनहार चेला है, चल। बालम, कल चंदन चौक में अपना तमाशा है। हाँ। मेरी सिखाई हुई तरकीबें याद है ना? हाँ। शाबाश। अच्छा देख तो भीतर आम रखे हैं, जाकर चमेली से एक ले ले। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। ओ ये, तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम मुझे एक बोसा दो। है क्या तुम्हारे बाबा ने जो कहा है? लो। ए, जी तो अच्छा है तेरा? हुँ? नहीं देती, अच्छी बात है। उस्ताद ये ना कहती है, दे दे बेटी दे दे। सुना? ला दो। क्या कह रहे हो बाबा? अरे दे दे बेटी, बड़ा अच्छा होनहार लड़का है। सो क्या? अरे कहा नहीं दे दे, जा जा। दे दिया? हाँ दे दिया। लो एक और ले आओ। और किस लिए? वैसे ही देखूं मेरे कहे से देती या नहीं। ओ अच्छा अच्छा। चमेली, अब इस हाथ पे एक बोसा दो। ए, ये सब क्या है? क्या है? तुम्हारे बाबा जो कहते हैं, और मैंने तुम्हारे बाबा से पूछा भी कि बार बार मुझे अंदर क्यों भेजते हो, तो बोले बेटा चमेली से तेरा ब्याह होने वाला है ना, सो अभी से हिल मिल जाओ तो अच्छा है। मैं क्या करूं? लो अब बाबा, ये क्या तमाशा है? ये दे दे बेटी, एक और दे दे। नहीं दूंगी। क्या नहीं दूंगी? और मैं जो कहता हूं, जा जा दे 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 दे। लाओ। हाय, दे दिया? हाँ दे दिया। लो इसे रखो, अब सिर्फ एक यहां आते। हो अरे वो, एक और ले आता हूं। ये बार बार अंदर क्यों जा रहा है? ले। हाँ
चमेली। हाँ 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 क्या है? हो 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 इतनी गर्म क्यों होती हो? कहूँ भी तो कैसे कहूँ? क्या तुम्हारे बाबा ने कहा है कि एक यहाँ दो बोसा। ए, मारे तमाचों के मुंह लाल कर दूंगी, समझा? ये बात है, अभी कहता हूँ बाबा से। उस्ताद, ए क्यों बे, क्या मांग रहा था इससे? वो मैं वो बोला। ये क्या मांग रहा था बेटी? तुमने क्या मंगाया था बाबा? मैंने तो आम मंगाया था। आम ही तो मांग रहा था बेचारा। पर मैंने तो कुछ ऐसा सुना जैसे बोसे। ओ वो कहता था बहुत से दो, बहुत से। ओ बेटा बालम, तेरी तो मुफ्त में मरम्मत हो गई, बुरा ना मानना है? कोई बात नहीं। चमेली, फिर कभी मांगे तो दे देना, समझी? बालम, अगर ये ना दे तो मैं दे दूंगा। ना 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 उस्ताद, तुम ना देना, खट्टा लगेगा खट्टा। रानी जी, ये कैसी आवाज? वही री, उसी भूत की शरारत है। मीठा मीठा बोल रहा।
सुरंग तो बन गई, अब मुझे नाच सीखना होगा बाबा। क्या नाच सीखना होगा? हाँ बाबा, सुना है कुंवर साहब को नाचना गाना बहुत पसंद है। तुझे अपने पति का जिक्र करते वक्त हंसी कैसे आ सकती हरी? वो नालायक है, बदमाश है। बाबा उनके बारे में ऐसा मत कहो, वो कुछ भी हो कैसे भी हो मेरे पति है ना, फिर ऐसा ना कहना बाबा। मुझे क्या पड़ी है जो तेरे पति के बारे में कुछ कहूं। अच्छा अब करना क्या होगा? अब एक काम और है बाबा, किसी नाच सिखाने वाले की तलाश करो जो नेक भी हो और होशियार भी। ठीक। अच्छा देर हो रही है बाबा। जो कुछ बताया याद है ना? हाँ। भीड़ भड़कके से घबरा के कहीं अनसन न बकने लग जाना, समझा? यहाँ तो सुनने से पहले ही समझ जाते हैं उस्ताद। तो फिर बजा ढोलक। बजाओ देखें। सुनो मालिको, सुनो मेहरबानो, जादू नहीं टोना नहीं, जंतर नहीं मंतर नहीं, न धोखा न सफाई, जान का खेल है जीवन की बाजी, बांस पे नाचना रस्से पे कलाबाजी, कर गए तो कर्तव्य गिर गए तो मौत, ठाकुरों सरदारों आस औलाद वालों ये सब किस लिए? इस छोटे से पेट के लिए। छोटा सा पेट, ये तो गोदाम है गोदाम। बैठो मालिको, बैठो सरदारो, बैठो बैठो। हाँ अब हम आपको जादू के खेल दिखाएंगे, ऐसे खेल जो आपने कभी ना देखे हो। ए बालम ये सब सामान उधर रखते जाके। अरे ये क्या राजहंस की तरह झूम झूम के चल रहा है? अबे ओ खुकू, दोनों मिलकर रख दो जल्दी, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। हाँ बालम अब शुरू करो। अच्छा एक मर्तबा सब लोग तालियां बजाओ देखे। हाँ? नहीं बजाते? परवाह नहीं, अब देखते जाइए हमारे जादू मंत्र के कमालात। सबसे पहले हम ये आम की गुठली बोकर आपको ये पेड़ दिखाएंगे। क्यों ये भेद नहीं बताना था? आए मेरी इज्जत पे लात मारने वाले बेवकूफ।
बस बस बहुत हुआ, किधर आ? इस टोकरी के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। बोल क्या लाऊं टोकरी में? छोकरी। इसलिए? शादी करूंगा। शादी करेगा? अच्छा, अरे भगवती भैरवी भवानी मसानी, भर दे टोकरी, भेज दे छोकरी, भेज दे छोकरी, चल। छोकरी है ओ छोकरी है, ओ छोकरी है, टोकरी में छोकरी है, हरे हरे बांस की ये गोल गोल टोकरी, हरे हरे बांस की ये गोल गोल टोकरी, टोकरी में छोकरी है, टोकरी में छोकरी है, टोकरी में छोकरी है, रे जैसे नींबू की फांकें, जैसे बुलबुल की पांखें, रे आगे रसीले नशीले कटीले, रे आंखें रसीली नशीली कटीली हो कटीली, आंखें रसीली नशीली कटीली, आंखें रसीली नशीली कटीली, जुल्फे लहराए जैसे नागन हटीली, जुल्फे लहराए जैसे नागन हटीली, गोरी रंगीली छबीली सजीली, ओ गोरी रंगीली छबीली सजीली, राजा रईस करे छोकरी की नौकरी, ओ राजा रईस करे छोकरी की नौकरी, ओ छोकरी की नौकरी, ओ हरे हरे, ओ ओ हरे हरे, ओए ओए हरे हरे, बांस की ये गोल गोल टोकरी, छोकरी में टोकरी है, टोकरी में छोकरी है, टोकरी में छोकरी है, टोकरी में छोकरी है, टोकरी में छोकरी। आपके सचमुच छोकरी बुलाता हूं, देखिए। अरे भगवती भैरवी भवानी मसानी, भर दे टोकरी, भेज दे छोकरी। देख के पार
हाँ ओ जी खट खट मिट मिट अमनों को से चोली भर दूंगी अरे ले चल नदिया के पार हो जाएगा तुम वहां आके। जी हाँ मैं समझ गया, जरा ठहरिए मैं अपने आदमियों को इकट्ठा कर लूं। और खास बात यह है कि आप मुझे ऐसा नाच सिखाएं जिसकी राज दरबार में भी तारीफ हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाचना गाना जबान सब कुछ नया निराला होना चाहिए। अरे जबान क्या हम तो आदमी की सूरत भी नहीं निराली बना दे। जादू तो है या घसियारे? और देखो ये बात कोई भी न जानने पाए। मैं तो जान गया अब। हम कह देंगे कि हम तो नाचने गाने का अभ्यास कर रहे थे। तो मैं भी चला सबसे कहने के लिए। हाँ तो कोई अच्छा सा दिन देखकर शुरू करें। सुनो ब्रूडरलिफ्लुंगन समझी ना? हा? बोलती क्यों नहीं? समझी या नहीं? क्योंकि ये एक जबान है, सीखनी चाहिए। क्योंकि फर्ज करो कोई परदेसी आया और कुछ न कुछ बोलने लगा और हम समझे ही नहीं, मगर कबूल क्यों करे? उमश्लुंगन चारों खाने चित और फिर बड़े आगे रुख डर दो डस डी यर डे। शाबाश पढ़ो इधर। पढ़ दें ब्रूडर लिप लिप नहीं लिफ लिफ। शाबाश सिर्फ हवा ज्यादा हो करे क्या जबानी ऐसी है। ब्रूडर लिफ्ट
श्लुंगन उम श्लुंगन उम श्लुंगन शाबाश ब्रूडर लिप्स उम श्लुंगन ड्रुख 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 उंडर डोडस बोलो उम डर डर डो डस डियर डे डो डस डियर डे डर डो डस डियर डे चल इसके मानी क्या किसे मालूम मैं समझता इसके मानी मानी कुछ नहीं मैं भी कुछ नहीं जानता और तुम भी कुछ नहीं जानती मेरे ख्याल से कोई कुछ नहीं जानता कका किकी कुकू के कई कुकू कौ यानी होशियार चचा चिची चुचू चेचे चई चोचो चौ यानी तैयार टटा टिटी टुटू टेटे टई टोटो टौ यानी तफार मैंने सब कुछ सिखा दिया है अब एक काम और बाकी है राजकुमार साहब की सेवा में जाकर उनसे हमारे खेल तमाशे की इजाजत ले आइए अच्छा और सुनिए कोई मेरे बारे में पूछताछ करे तो कह दीजिए कि मेरी बेटी है अच्छा अभी जाते हैं महल की तरफ राम जी की कौन हो जी तुम क्या चाहते हो जी मैं एक मशहूर नट हूँ महाराज के दर्शन चाहता हूँ आप तो महाराज के हाँ हाँ भाई बंद ये समझो वो राजा हम ठाकुर हाँ अबे ओ बालम दौड़ कर आ जल्दी आ नमस्कार महाराज ये महाराज नहीं मैंने भी यही सोचा महाराज के रूप रंग ही अलग होते हैं ये बेचारा तो हमसे भी गया गुजरा है अब ठाकुर हैं ठाकुर हाँ नहीं ठाकुर चुप हम कोकाफ के रहने वाले हैं सीधे वहीं से चले आ नहीं 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 साहब ये सरासर झूठ है हम तो इसी शहर के रईस हैं उस पुराने पीपल के दरख्त के चुप है क्यों इस गांव में सच बोलना मना है चुप नहीं रहेगा तू चुप ए, तुम्हारा तमाशा देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है जाओ जाओ ये चले हुजूर ये क्या फरमाया हम तो बड़ी आस लेकर आए थे मेरी एक लड़की है मैंने उसे बेहतरीन नाचना सिखाया है उसका पहला नाच अगर महाराज की खिदमत में पेश होता तो क्या 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 लड़की जी हाँ मेरी बच्ची बच्ची तो अंदाजन उम्र क्या होगी जी 16 सावन पार कर चुकी है हुजूर 16 साल की तो हसीन भी होगी अच्छा अच्छा कुंवर साहब से अर्ज कर देखते हैं चलो नमस्कार महाराज अबे ये महाराज नहीं चल चुपचाप नमस्कार महाराज क्यों अब किसी को नमस्कार किया तो तेरा खून कर डालूंगा चल नमस्कार नहीं तुम मेरा खून कर डालोगे अभी खून के बच्चे यही महाराज हैं का नमस्कार ओ महाराज नमस्कार
कौन है ये लोग? कोहकाफ के रहने वाले हैं। ये लोग हुजूर के दरबार में अपनी नट विद्या का कमाल दिखाना चाहते हैं। कह दो, फुर्सत नहीं। सरकार, एक लड़की भी है। हैं? लड़की? जी हुजूर, ये कहते हैं कमतिन है, हसीन है। कौन है वो? मेरी लड़की हुजूर, इसी उम्मीद पर उसे इतनी दूर लेकर आया हूं कि उसका पहला नाच सरकार के दरबार में हो। क्या वो सचमुच इतनी खूबसूरत है? लाखों में एक हुजूर। जी सरकार। तमाशे का इंतजाम करो। यही तो बुला रहा हूँ। उस्ताद, मैं तो ये रहा। आज चिल्लाते क्यों? अच्छा बालम, अब हम अपना कर्तव्य दिखाने वाले हैं। हाँ। बांस पे नाचेंगे। हाँ। रस्सियों पे चलेंगे। हाँ। अगर महाराज को खुश कर सके तो वो हमें रुपये देंगे, देंगे कपड़े देंगे, देंगे साड़ियाँ देंगे, देंगे धोतियाँ देंगे, देंगे और क्या क्या देंगे। अगर इसी तरह बकते रहे तो जूतियाँ देंगे। ए, हम ऐसा तमाशा नहीं देखना चाहते। जो हुकुम सरकार। बालम, बैठ यहाँ। क्यों? अरे बैठता है या नहीं? बैठता हूँ सर, बैठता हूँ। अब मैं तुझे इस टोकरी में बंद करने वाला हूँ। बंद करके तुझे एक छैल छबीली झोकरी बनाने वाला। मैं मिला उस्ताद तुम्हें? मैं नहीं बैठता। तुम अपनी बेटी को बुला लो। तू आ बेटी। ना 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 ना, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। उस्ताद मुझे लड़की बना रहे थे, और कहीं तुम्हें लड़का बना दिया तो मैं क्या करूंगा। उस्ताद, हम पर तो मेहरबानी रहे। वो दूसरी खड़ी है ना, उसे बुलाकर बिठा लो टोकरी में। चलो चलो चलो। सिमकी, तू आ बेटी। हे भगवती भैरवी भवानी, अब मैं ये तलवार इसके आर पार करता हूं, इसकी रक्षा करना। अरे बाप रे, कहां गई? अब मैं उस लड़की को फिर हाजिर करता हूं। ओ सिंकी, अय्यो मरी मैं तो लाज से, सैया देखे मोहे प्यार से। आई आई राजा तोरे पास रे, पिया से मिलन की आस रे। कौन जाने कैसा जादू डाल के छीन लिया जिया मोरा खाए। खिल 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 रही चांदनी, चंदा सा ये मुख मुस्काए। छोटी सी रात, छोटी सी बात, चीखी पुकार सुनबाल माँ। सुनो सुनो प्यारे मोरे साजना, पाजे मोरे दे
मेरी चाल निहार कैसे चमकदार, मेरी कमर निहार कैसे लचकदार, मेरे नयन निहार जैसे तेज कटार, मेरी नथ निहार कैसे है चमकदार, ये बहार ये निखार तुम शिकार मैं शिकार, फड़क 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 फड़क, अये ये मरी मैं तो लाज दे, हारी मैं तो लाजू मरी, अये ये मरी मैं तो लाज दे, चाचा चीची जो जो जे जो, काका किकी कुकु के कई कगो, पिया से मिलन की आस रे, छोटी सी रात छोटी सी बात दिल की पुकार सुंबल माँ, सुनो सुनो प्यारे मोरे साजना, चाचा जी जी जो जो जय जो, काका के कुकु के कई कगो, टटक टटिक टू टू डे डे जो, अये ये या महाराज बहुत खुश हुए हैं। वो लड़की कौन है? हमारी बेटी। ओ महाराज उससे मिलना चाहते हैं। चमेली चमेली चलो चलो भाग चलो चलो। क्या हुआ क्या? अरे है नहीं तुम समझती नहीं, चलो समझ गए ना अच्छी तरह। मतलब ये कि आज रात को सिम की वसंत मंडप में आए। हाँ। अच्छा जी मंगला डरना मत, आज तो सिर्फ एक नाचने वाली है, अपनी प्रतिज्ञा याद रखना, डर गई तो कान मरोड़ दूंगी तेरा। पधारिए सरकार।
मेरे आने से तुम खुश हो ना? Bruderlich, Fumschlungen durch, Wunder durch das Tierde, war auf und hoch, sie flackerten auf, heinen, hügen, nihet, fern, fanden, honungen, hum. Hey, लड़की, हाँ? तुम्हें हिंदुस्तानी नहीं आती? थोड़ा थोड़ा आती. तो फिर हिंदुस्तानी में ही बात करो ना. Umschlungen? मैंने कहा हिंदुस्तानी में बात करो. हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी. वो महल वाला नाच अभी तक मेरी आंखों में घूम रहा है और उसकी मुबारकबाद के लिए मैं यहां खुद आया हूं. नाचने गाने वालों को मैं दिल से चाहता हूं और सुना जिस वक्त तुम नाच रही थी मेरे दिल में एक शक पैदा हुआ. क्या हुआ? तुम डरी हुई सी मालूम होती हो. क्या मेरी बोली समझ में नहीं आती? कोई बात नहीं, चलो नाचो. हमारा नाच पसंद है? है. नाच भी पसंद है, बोलना भी पसंद है. अब नाचो. Bye.
नाच पसंद? तुम्हारे पांव सोने की पायल पहनने के काबिल हैं। ओह पायल नहीं हाय ओह मेरा वीस आओ अपने हाथों से पहना दो। जब तुम महल में नाच रही थी तभी मैंने सोच लिया था कि तुम्हें सोने की पायल पहनाऊंगा। और अब पहना भी दी। वाह तुम जैसी हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ कितनी प्यारी हो तुम। क्या कहा? कितनी प्यारी हो तुम। फिर एक बार। कितनी प्यारी हो तुम। फिर एक बार। फिर एक बार ये। The dotest dear ने। Dotest dear ने? या पट बताता हूं लेकिन दाव क्या होगा? चित तो मुझे ये और हार और पट तो मुझे प्यार। पट है ना? हाँ पट पट। अच्छा जीत तुम्हारी हुई आओ पहना दूं। डोडस डियर डे Womer wound is up and broken home. Fern and Doon flying first and day still. Whom Schweigen, V.S. Vire, V.S. Vise, dire hopes he dashlu must muse. The lacquer wound, style day wound, lace around wound. Phir wohi purani zaban. Chanda. Chandani. Chandani? मेरी चांदनी तो तुम हो। बाबा नहीं आए? अरे आ जाएंगे जल्दी क्या है। ए, तुम दोनों भाग क्यों आए? क्या समझ रखा है अपने मन में? नौकरी है या भाई बंदी? क्या ट्रिक लगा रखी है? कुछ मालूम भी है? क्यों क्या हुआ? क्या क्या हुआ?
महाराज का मन हुआ तो वो लड़की गायब, और कहीं दीवान जी का मन हो जाता तो फर्ज करो हो जाता, तो हमारा क्या हाल होता। भाग भाग, ये तेरा काम नहीं है। भाग भाग। अरे चमेली चमेली। ओ जी ओ ओ जी ओ ओ जी ओ हां जी ओ हां जी ओ हां जी ओ भोले भाले सनम मत वाले सनम रात जावे है जावे है रात जावे है मोर प्यारे बलम मत वाले बलम नींद आवे है नींद आवे है तेरा कैसा है सितम जरा सोच तो सनम ओ सनम देरा हम रात जावे हैं नींद आवे है नींद आवे है रात जावे है रात जावे है रानी आज मेरी गाड़ी पहुंची दिल के गांव तक पहुंची दिल के गांव तक मैं तकिया तू रजाई तू घास में दिया सलाई मैं सीना तू अंगड़ाई तू तबला मैं चैनाई तुम्हें जान गए हम करो प्यार जरा कम कैसे करूंगी हजम जी घबरावे है मोरे प्यारे बलम मत वाले बलम नींद आवे है नींद आवे है भोले भाले सनम मत वाले सनम रात जावे है रात जावे है ये शेर तेरे जादू से अब बिल्ला बन गया मेहमान मेरे मन माने मैंने ढंग तेरे पहचाने बालम बन के लगे सुताने मैं आया प्यास बुझाने आओ गाए मिलके हम हुए दूर सारे गम ओ सनम ना पे हम तू सतावे है नींद आवे है नींद आवे है रात जावे है जावे है रात जावे है ओ बाबा आ गए ओ क्यों री मुझसे कहे बगैर ही चली आई नहीं बाबा खैर ले रख बेटा बालम उस्ताद मैं तो ढोलक बजा रहा था ये बेवकूफ की ढोलक अच्छी नहीं बेटा सुनो हाँ। मैं कह रहा था जब से तुम यहाँ आए हो हाँ। हमारी तकदीर खुल गई अब तुम हमेशा यहीं रहो बहुत अच्छा उस्ताद कल चमेली के साथ तुम्हारी शादी होगी कल क्यों उस्ताद अभी
रानी जी। क्यूरी, आज फिर इतनी जल्दी खाना ले आई? रानी जी, आजकल खाने पीने से बहुत जी चुराती हैं आप। ऐसा क्यों कहती है? कहूँ कैसे नहीं, रोज देखती हूँ थाली यूं की यूं ही तरी रहती है, जैसे कोई दो जीवों वाली हो। क्यों रानी जी, कुंवर साहब से कहूँ कि आपका जी अच्छा नहीं? तू अपने काम से काम रखना, ये भी तो मेरा ही काम है। इसकी अभी क्या जल्दी है, फिर कर लेना, जा। रानी जी, अभी अभी तो अच्छी तरह बोल रही थी, ये जरा के जरा में क्या हो गया आपको? हैं? ये क्या, बच्चे के कपड़े यहां कैसे आए? देख तो री, आज ये फेंक गया। कौन फेंक गया? वही री, अपना भूत री। आ, भूत! लाडले, वारी में
लाडले सो जा बदमाश छोएगा नहीं हुँ? अब देखो अपने नाना जी को अजय पाल इस नाम से ही काम नहीं चलेगा तुझे मां की प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी करेगा ना तो मैं बड़ी नसीब वाली हूं कैसे इतने बरसों के बाद जो आप पधारे क्या ये मेरी खुशनसीबी नहीं आइए पधारिए हंसे क्यों एक पुरानी बात याद आ गई कौन सी बात तुम्हें मोर पंख से धूल उड़ाते देखकर तुम जो खेत में नाच भटकती थी ना वो याद आ गया मंगला तुमने मेरे आने का सबब तो पूछा ही नहीं आप खड़े हैं बैठिए ना छुओ मत मुझे हाय राम हाथ छूने से ही क्या मैं मां बन जाऊंगी ओ, ये बात अभी तक याद है प्रतिज्ञा सुन लो बच्चा तो तुम्हारे होगा नहीं इस जन्म में ना प्रतिज्ञा ही पूरी होगी खैर घबराओ मत मैं तुम्हारी मदद करूंगा ए कौन है क्या है ये तुम्हारे लिए एक सौगात लाया हूं मुझे तो मालूम ही था आप मुझे प्यार करते हैं हाथ भर दूर खड़ी रहो मुझसे जो आ गया ये देखा
5 बरसों में कभी सुख से नहीं सोई कि हमारे मुन्ने के लिए पालना भी नहीं। बेचारा बिना पालने के ही पल बढ़ा है। करूं तो क्या करूं? आज से वो चिंता भी दूर हो गई। अरे ये क्या है? ये है तुम्हारा बेटा। कहिए हमारा बेटा। क्यों रे छोटे, देखा कितने अकलमंद हैं तेरे पिताजी। पालना लाए हैं तेरे लिए, पालना। बड़ा बुद्धू नजर आता है। बिल्कुल आप पर गया है। लीजिए अपने बच्चे की एक चुम्मी ले लीजिए। बेटा। मां, नन्हे आज मैं तुझे एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाने वाली हूं। सुन। किसी नगर का एक राजा था। उसने एक लड़की को देखा और देखते ही अरे तुरी करके सताने लगा। लड़की ने कहा, राजा जी आपको ये शोभा नहीं देता। बस फिर क्या था, राजा को गुस्सा आ गया और कहा, ऐ छोकरी तूने मुझे क्या समझा है। सुन, मैं तुझसे ब्याह करके तुझे कैद खाने में बंद कर दूंगा। राजा ने उसके साथ जबरदस्ती ब्याह किया और फिर बेचारी को कैद में डाल ही दिया। क्यों मुन्ने, तुम्हें वो राजा मिल जाए तो तुम क्या करो? उसे दीन दूं। आज से 20 साल पहले की बात है। मैं अपने कबूतर को दाना चुगा रही थी। अचानक कबूतर उड़कर राजा के बाग में चला गया। मैं उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। इतने में वहां राजा का बेटा आ गया और कबूतर पकड़ देने के बहाने मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। मैं किसी तरह पीछा छुड़ाकर घर भाग आई। दूसरे दिन जब मैं खेत में नाच भटक रही थी तो एकाएक वही राजा का बेटा वहां आ पहुंचा। मैं हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं कि उसने दूर, रानी जी के कमरे में से किसी मर्द की आवाज आ रही है। क्या बकता है, मंगला के कमरे में मर्द? मुझसे तो पहरेदार ने कहा था सरकार।
यही मेरी कहानी है। तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या भेस भरे, क्या क्या नाटक किए, भगवान ही जानता है। ये 20 साल मैंने 20 चुप जैसे बिताए हैं। अब जाकर कुछ शांति मिली है। मां, जरा सी बात के लिए जन्म का है। कहो तो पिताजी से मिलूं जाके। जा जा जा, शायद तेरे पिताजी हैं। चारों तरफ क्या देख रहे हैं आप? कौन आया था यहाँ? जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ आता कौन? आप ही आए हैं। चुप जबादराज, मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती है? देख क्या हल करता हूँ तेरा। अपनी ब्याहता के साथ जरा नरमी से बात नहीं कर सकते आप? ये बेत कहाँ से आया? चूहे बिल्लियों ने नाक में दम कर रखा है। झूठ बोलती है। चिल्लाते क्यों हैं? मैं रानी ना हूं? रानी? पहुंचो, आज से 2 दिन के अंदर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करके ना दिखा दूं तो मैंने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया, तुम्हारा दूध नहीं पिया। जयपाल जी, क्या है, क्या कर रहे हो? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। जब तक अपनी मां की प्रतिज्ञा पूरी ना कर दूंगा मैं दम ना लूंगा। मगर उसके लिए ये भेस क्यों? प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कोड़े लगाना ही काफी नहीं, भरी सभा में ऐसा करना होगा। इसलिए एक चाल चल रहा हूं।
हुजूर, हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे थे मगर गधा कहीं का कुतवाल बना फिरता है। खास राजमहल में चोरी होने लगी तो फिर मामूली लोगों की खैर कहां, कहीं जाके गधे क्यों नहीं चलाते? नहीं हुजूर, आज से चार दिनों में पता नहीं क्या झक मारोगे। निकलो यहां से, निकलो। क्यों रे, अगर हम लोग आज रात को भेष बदलकर शहर देखने निकले तो तेरी क्या राय है? जो आपकी राय वो मेरी। आदमी जा रहे हैं ना, उनके पीछे पीछे जा और जैसा मैंने समझाया है ठीक उसी तरह उनसे कह गया कहेगा ना, जा जा। अजी अजी, शहर के बाहर वाले उस मैदान में इस वक्त भी एक दिया जल रहा है। क्या क्या कहा? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ एक महाजन अकेले ही दुकान लगाए बैठा है। क्यों रे, इतनी रात तक दुकान खुली रखने का मतलब? महाराज पधारो। जय राम जी की। क्या क्या चाहिए आपको? श्री नारायण। ए, इतनी रात तक इस बियाबान में दुकान क्यों खोले बैठा है? इस वक्त कौन सौदा लेने आता है? जी व्यापारी हूँ, सभी कुछ राखू हूँ। नून, तेल, मिर्च मसाला, अमृतसर का चावल, दिल्ली की दाल, बरेली की चीनी, फरमाओ क्या तोलो बाप जी। ए, बाप होगा तेरा कोई तेली तंबोली? हमारे सवाल का ठीक ठीक जवाब दे। यहां दुकान किस लिए खोल रखी है? कौन आता है यहां? जानता है मैं कौन हूं? यहां का राजकुमार। बाप रे, जयराज आपका डंका तो नौखंड में बाजे है। ऐसा धर्मवीर, दानवीर, पुण्य प्रतापी राजा पृथ्वी पे है कोई दूसरा? क्या क्या चाहिए अंदाता? चावल, दाल, गुड़, तमाकू। देख रे माई बाप, सच सच बता कौन आता है यहां? बताऊ अंदाता, बताऊ। चोर डाकू आवे, एक के चार देवे, चवन्नी के चावल और थेके रुपया। क्या करूं अंदाता, बाल बच्चेदार आदमी हूं। श्री नारायण। उन्हें गिरफ्तार करा देगा? श्री नारायण, पाप महाराज महापाप, मेरे पेट पे लात मत मारो अंदाता। हे मेरी माई, इधर कुआं उधर खाई, आपका हुक्म टालूं तो मरूं। एक बात अंदाता, सिपाहियों को कहीं दूर छिपा दो, जब हम इशारा करें तब एकदम आके छापा मारें। समझने की बात है महाराज। श्री नारायण। ए, तुम लोग यहां से दूर जाकर छुप जाओ, जो ही मैं सीटी बजाऊं फौरन धावा मारना। श्री नारायण। आपको बोलते सुनकर मुझे मेरा बाप याद आ गया। महाराज, आपकी ये रजवाड़ी पोशाक देखकर चोर आते होंगे तो भी नहीं आएंगे, सो आप ऐसे कपड़े पहनकर गद्दी पर बैठ जाओ।
चिलम तमाकू के लिए वो आवेंगे ही, बस बजाओ सीटी और काम फते। श्री नारायण। ठीक है श्री नारायण। क्या कहने, अब तो आप सवा सोले आने महाजन दिखो हमारा। श्रीनारायण। आराम से महाराज। जय राम जी की। ए, कहां चला? महाराज वो डाकू, आप राजा और मैं महाजन की जा, जोगी जोगी लड़े खप्पर का कल्याण। मुझे तो अंदर छुप जाने दो अंदाता। श्री देखो वो महाजन बना बैठा है, जाकर फौरन दबोच लो और बोरी में बंद करके राज्यसभा में ले आओ। जाओ। मैं चोर नहीं हूं, राजकुमार हूं, राजकुमार हूं। झूलों सदा झूलने वाले, कांटा बनकर हर दिल में चुभने वाले,
याद है उस काले तिलवाले की प्रतिज्ञा? ठहरो। ये आपका बेटा है। मेरा बेटा? हाँ, आपका बेटा। 20 साल पहले वसंत मंडप में वो कोकाफ की नाचने वाली ब्रूडरलिस उमशुंगंडुर उंडोडस डियडे, ये हार, ये अंगूठी, आपसे कुछ कहना है। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, अब हम एक दूसरे के हैं। कई गुजरे को भूल जाइए, मुझे इस तरह बर्बाद न कीजिए। नाटक कर रही हो? मंगला, तुम एक आदर्श नारी हो, तुम्हारी ही जीत हुई। जीत हुई? जीत? दुनिया जानती है कि मैं एक हारी हुई औरत हूं। क्या जीता मैंने? सब कुछ खोकर, जीवन को एक धोखा बनाकर मैंने इतने दिन छाया की तरह बिताए हैं। क्या यही मेरी जीत है? 20-20 साल तक पिंजरे की पंछी की तरह मैं अकेली तड़पती रही। न मैंने सूरज का उजाला देखा, न चांद की चांदनी। मैंने हंसने खेलने के दिन रो रो कर बिताए। मैंने ही आंसू बहाए और मैंने ही पोछे। जिंदगी की तलखियां और लड़ाइयां ही मेरे पाले पड़ी। मैंने प्यार और खुशियों की मीठी दुनिया का मुंह भी ना देखा। क्या यही मेरी जीत है? अपने ही पति को पाने के लिए लोक लाज को तिलांजलि देकर मुझे भरी सभा में नाचना पड़ा। अपने ही पति के सामने पर नारी बनकर उसका पहलू सजाना पड़ा। क्या यही मेरी जीत है? जाइए, जीत कहकर मेरी हार की हंसी न उड़ाइए। पुराने जख्मों को ताजा न कीजिए। आप मर्द हैं, दुनिया आपकी है, हुकूमत आपकी है। आप खुशियां मनाइए, नाच मुचरे कराइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे मालूम न था कि मर्दों की दुनिया में औरत इतनी कमजोर, बेकस और मजबूर होती है। मंगला, मुझे माफ करो, तुम महान हो, मैं तुम्हें न समझ सका। मैंने तुम्हें जिंदगी भर सताया, दुख दिया, लेकिन तुमने जुल्म के लिए उठने वाले हाथ को प्यार से चूमा। मंगला, मेरे उन तमाम जुल्मों को भूल जाओ, मुझे अपने विशाल हृदय में जगह दो। अब से तुम ही मेरी दुनिया हो मंगला।